हाई एंजल्स वेलकम टू अपना ऑनलाइन स्कूल सो टूडे वी आर गोइंग टू डू अनादर चैप्टर फ्राम मैथ्स टेक्सट बुक स्टैंडर्ड टू सो एंजल्स जो लास्ट चैप्टर था जो इसके पहले जो प्रीवियस चैप्टर था वो था एक्सपेंडेड फॉर्म के ऊपर और ये चैप्टर जो है ये है नंबर जम्प नंबर जम्प के ऊपर है सो एंजल्स जब हम सपोज जब हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं जब हम स्टेप्स क्लाइंब करते हैं तो कभी कभी ना हम बहुत हरी में होते हैं बहुत जल्दी में होते हैं तो हमें लगता है कि हम डायरेक्टली जंप कर लें एक 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 स्टेप्स ना क्लाइंब करें है ना तो हम क्या करते हैं कभी कभी घाई घाई में फर्स्ट स्टेप से लेकर डायरेक्टली नंबर फोर्थ स्टेप पे चले जाते हैं है ना और कभी कभी फोर्थ के बाद डायरेक्टली सेवेंथ स्टेप पे चले जाते हैं क्योंकि हमें घाई होती है हमें जल्दी होती है सो so, उसे कहते हैं नंबर जंप ओके फर्स्ट से फर्स्ट सीढ़ी से आप डायरेक्टली फोर्थ सीढ़ी पे गए और फोर्थ सीढ़ी से आप डायरेक्टली सेवंथ सीढ़ी पे गए सो so, एंजल्स ये चैप्टर उसके बारे में है कि सपोज अगर एनिमल्स भी ऐसे जंप करते हैं तो अपनी स्पीड के हिसाब से सबके जंप्स होते हैं तो so, यहाँ पे हमें दो एनिमल्स का एग्जाम्पल दे के ये नंबर जंप का चैप्टर सिखाया गया है ओके सो एंजल्स लेट्स गेट स्टार्टेड

उसे भागना है अभी ओके ही वॉन्ट्स टू रन तो वो कैसे रन कर बेसिकली एक रैबिट जंप करता है है ना तो so, वो नंबर थ्री से डायरेक्टली नंबर सिक्स पे चला जाता है और नंबर सिक्स से वो जब भी जंप करता है तो डायरेक्टली नंबर नाइन पे जाता है और नाइन से वो डायरेक्टली नंबर ट्वेल्व पे जाता है सो so, एंजल्स एक रैबिट को नहीं पता है कि वो नंबर जंप कर रहा है ओके okay? सो so, जब तक हम ये नंबर लाइन नहीं बनाते और जब तक हम इमेजिन नहीं करते हम सोचते नहीं कि एक रैबिट जंप कर रहा है हमें ये नहीं पता लग सकता है कि रैबिट कितना हाई जंप कर रहा है तो ये नंबर लाइन बनाना बहुत ज़रूरी है टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर इन स्टेप्स ओके सो जब एक रैबिट या फिर सपोज आप ही हो वट जस्ट एन एग्जाम्पल तो जब उसने थ्री से लेकर सिक्स तक जंप किया तो वो कितने स्टेप्स आगे गया वन टू थ्री वो थ्री स्टेप्स आगे तक गया ओके okay? फिर वापस जब वो सिक्स से जंप किया तो वो कितने स्टेप्स आगे तक गया वन टू थ्री फिर नाइन्थ से लेके वो ट्वेल्व तक जंप किया लेकिन उसने कितने स्टेप्स लिए नाइन्थ से ट्वेल्व के बीच वन टू थ्री टेन इलेवन ट्वेल्व तो टेन इलेवन ट्वेल्व होता है थ्री स्टेप्स है ना थ्री नंबर्स हैं तो थ्री स्टेप्स फिर ट्वेल्थ के बाद डायरेक्टली उसने जंप किया नंबर फिफ्टीन पे सो आफ्टर ट्वेल्व नंबर्स आर थर्टीन फोटीन फिफ्टीन तो थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन कितने नंबर्स हो गए वन टू थ्री तो उसने वापस थ्री नंबर्स तक जंप किया ओके सो लुक एट द नंबर्स इन बॉक्सेस मतलब ये नंबर्स को देखिए फ्रॉम विच द रैबिट जम्पड तो रैबिट ने जंप किया थ्री फिर सिक्स फिर नाइन फिर ट्वेल्व और फिर फिफ्टीन तो so, ये नंबर बॉक्सेस में दिए गए हैं इफ़ वी काउंट थ्री नंबर्स आफ्टर द नंबर थ्री सो so, uh, ये ये बता रहे हैं कि अगर नंबर थ्री के बाद आपने थ्री नंबर्स काउंट किए वन टू थ्री वी गेट द नंबर सिक्स तो हमें कौन सा नंबर मिलता है नंबर सिक्स ऑन काउंटिंग थ्री नंबर्स आफ्टर सिक्स अगर आपने सिक्स से लेके थ्री नंबर्स काउंट किया वन टू थ्री तो हमें क्या मिलता है वी गेट नंबर नाइन यर मतलब यहाँ पे बाय काउंटिंग थ्री फॉरवर्ड एवरी टाइम मतलब इस चार्ट में जो हमें दिया गया है जब भी हम थ्री काउंट करते हैं बार बार एवरी टाइम वी गेट ईच नेक्स्ट नंबर तो जब भी हम बार जब भी हम थ्री के बाद फोर फाइव सिक्स तो हमें वो नंबर मिलता है जहाँ पे वो रैबिट पहुँचा तो रैबिट रा, सीधा थ्री के बाद सिक्स पे पहुँचा सिक्स के बाद सीधा नाइन पे पहुँचा नाइन के बाद ट्वेल्थ पे पहुँचा पर एंजल्स वो कैसे पहुँचा उसने डायरेक्टली थ्री स्टेप्स जंप किए ईच मतलब एक नंबर से उसने थ्री स्टेप्स जम्प किए मतलब थ्री से लेके सिक्स तक थ्री नंबर्स हो गए सिक्स से लेके नाइन तक फिर से थ्री नंबर्स हो गए तो वैसे ये हमें समझाना चाहते हैं तो स्टार्टिंग फ्रॉम थ्री थ्री से शुरुआत करते हुए एंड काउंटिंग इन स्टेप्स ऑफ थ्री फिर थ्री स्टेप्स काउंट किए वन टू थ्री फिर से सिक्स के बाद वन टू थ्री वो स्टेप्स होते हैं द नंबर्स वी गेट आर सिक्स नाइन ट्वेल्व एंड फिफ्टीन है ना एंजिल्स तो ये सिंपल है कि जैसे जब आप भी जंपिंग करेंगे सपोज अगर आपने भी नंबर अपने घर में चौक से ड्राइंग की और आपने भी बड़े बड़े ब्लॉक्स बना लिए है ना और नंबर वन से लेके आपको नंबर थ्री पे जंप करना है ओके सो नाउ आपने ब्लॉक्स बना लिए वन टू सिक्स तक सपोज ओके okay? और फिर आपने क्या किया आप नंबर वन से डायरेक्टली आपने थ्री पे जम्प कर लिया हुँ। तो आपने कितने स्टेप्स आगे जम्प किए टू स्टेप्स टू एंड थ्री तो आपने टू एंड थ्री तो कितने नंबर्स आए टू एंड थ्री में टू नंबर्स तो आपने टू स्टेप्स जम्प किए फिर थ्री नंबर के बाद आप डायरेक्टली फाइव नंबर पे गए हुँ? तो आपने कितने स्टेप्स जम्प किए वापस टू टू स्टेप्स मोर फोर एंड फाइव फिर आप फाइव के बाद आपने स्टॉप uh, कर दिया क्योंकि आपने जो ब्लॉक्स बनाए हैं वो फाइव तक ही बनाए हैं है ना तो वैसे अगर आपको ज़्यादा ब्लॉक्स बनाने हैं ज़्यादा जंप करना है तो आप ये एक्टिविटी ट्राई कर सकते हैं सो नेक्स्ट इज वन मोर example now लुक एट द deer's jumps मतलब अभी हमने रैबिट के जंप्स देखे अभी हम डियर के जंप्स देखते हैं सो यहाँ पे फिर से एक नंबर लाइन बनाई गई है जो कि है वन से लेके ट्वेंटी फाइव तक एंजल्स सो एंजल्स रैबिट का जो जंप होता है ना वो थोड़ा छोटा होता है लेकिन डियर का जो जंप होता है वो बहुत ही फास्ट भागता है एंजल्स डियर इज ऑलमोस्ट द फास्टस्ट रनर वो बहुत फास्ट भागता है सो so, उसके जम्प्स लम्बे होंगे सो राइट द नंबर्स फ्रॉम विच द डियर टेक्स अ जम्प सो एंजल्स ये ये जो डियर है ये नंबर फोर पर खड़ा हुआ है हुँ? देखो ये जो डॉट्स बताए ना हम हमको ये बताया गया है कि वो जम्प करते 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 नंबर ट्वेंटी फोर तक पहुँच गया है और आगे भी करता जा रहा है पर हमें बताया नहीं है सो so, इंजल्स वो नंबर फोर पर खड़ा है और फिर वो पहुँच चुका है नंबर नाइन तक तो नंबर फोर से नंबर नाइन तक फिर नाइन से लेके फोर्टीन तक और फोर्टीन से लेके नाइनटीन तक तो यहाँ पे हमें वो सारे नंबर्स लिखने हैं जितने जाम सी ने किए हैं सो so, इंजल्स यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर फोर क्योंकि अभी वो नंबर फोर पे खड़ा है ठीक है फिर वो पहुँच चुका है नंबर नाइन येरा नंबर नाइन है, ना? है वो नंबर नाइन पे फिर नाइन से लेके वो कहाँ जंप किया है फ़ोर्टीन पर है ना ये जो डॉट खत्म हुआ है नाइन से लेके उसने वो फोर्टीन पे जंप कर लिया है और फोर्टीन से लेके वो जंप किया है 19 तक सो so, 19 ओके okay? और 19 से लेके वो जंप किया है ट्वेंटी फोर तक है ना एंजल्स ट्वेंटी ट्वेंटी फोर कितना हाई जंप किया है ना डियर ने सो so, वो हमें यहाँ पे लिखना था तो हमने वो लिख दिया है फ्रॉम फोर ऑनवर्ड्स द नंबर्स वी गेट बाय काउंटिंग इन स्टेप्स ऑफ फाइव आर तो फ्रॉम फोर ऑनवर्ड मतलब कि डियर फोर पे खड़ा है हाँ और हमें कितने कितने स्टेप्स जम्प किए उसने डियर ने वन टू थ्री फोर फाइव स्टेप्स जम्प किए तब वो नंबर नाइन पर आया है तो वो हमें बता रहे हैं कि बाई काउंटिंग इन स्टेप्स ऑफ फाइव आर नाइन नाइन फोटीन 19 एंड 24 है ना सो so, ये हमें ये बता रहे हैं कि 4 से लेके 9 तक फाइव स्टेप्स हैं फिर 9 से लेके 14 तक फिर से फाइव स्टेप्स जम्प किए हैं फिर 14 से लेके 19 तक फिर से फाइव स्टेप्स जम्प किए हैं तब वो 19 तक पहुंचा है 14 से 19 तक फाइव स्टेप्स हैं फिर से 19 से लेके 24 तक फाइव स्टेप्स हैं तो ये फाइव स्टेप्स का जो है कॉन्सेप्ट फोर से लेके 9 तक फाइव स्टेप्स होते हैं फिर नाइन से लेके फोर्टीन तक फाइव स्टेप्स होते हैं तो ये ऐसे कंटिन्यू करते हैं ओके सो एंजल्स अगर सपोज सपोज हमें इसको आगे बढ़ाना है ओके okay? तो वो हम कैसे करेंगे तो वो अभी तो वो ट्वेंटी फोर तक पहुँच गया है डियर राइट right? तो और फाइव स्टेप्स अगर हमें यहाँ पे लिखना है हमारी मर्जी से लिखना है सपोज़ हमारी लर्निंग के लिए हमें लिखना है सो so एंजल्स हम क्या लिखेंगे 24 से लेके फाइव स्टेप्स और सो so 25, 26, 27, 28, 29 सेवन so सो उसके बाद वो पहुँच जाएगा 29 नंबर पे क्योंकि उसने फाइव स्टेप्स और लिए हैं 24 से ठीक है एंजल्स नेक्स्ट लुक एट द नंबर्स इन द कलर्ड बॉक्सिस गिवन बिलो ये जो बॉक्सेस को कलर किया है वो नंबर्स हमें देखना है वी गेट दीज नंबर वेन वी काउंट इन स्टेप ऑफ अटन नंबर वट इज दैट नंबर सो एंजल्स यहां पर हमें दिया गया है कि सपोज सपोज अगर हम लेते हैं डीयर uh, को लेते हैं सपोज हम ओके okay? सो so, अब ये सब जो नंबर को कलर किया गया है ये बता रहा है कि नंबर टू पे है और उसके बाद थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स तक पहुंच गया है राइट तो उसने कितने जम्प्स लिए सिक्स तक कितने स्टेप्स हैं थ्री फोर फाइव सिक्स मतलब वन टू थ्री फोर उसने फोर स्टेप्स लिए तो यहाँ तक हो जाते हैं फोर स्टेप्स मतलब टू से लेके सिक्स तक हैं फोर स्टेप्स कितने सॉरी oh, ठीक है कहाँ से टू से लेके सिक्स तक फिर उसके बाद six, seven, six से लेके तक, तो ले तक फोर स्टेप्स है. है ना नेक्स्ट फिर हम आ जाते हैं टेंथ टेन से लेके फोर्टीन तक एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोरटीन सो फिर से एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोटीन फिर से हो गए फोर स्टेप्स ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं लिख रही हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए कि वन टू थ्री फोर तो फिर से फोर स्टेप्स हो गए राइट फिर फिफ्टीन फिर फोरटीन से स्टार्ट होता है वापस उसने जंप किया तो फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन तो फिर से फोर स्टेप्स हो गए एंजल्स है ना तो ये भी फोर स्टेप्स जंप हो गया स्टेप्स फिर हम वापस 18 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि वो 18 तक पहुंच गया है और फिर 19, 20, 21, 22 टू सो वन टू थ्री फोर तो फिर से किया गया है फोर स्टेप्स जंप सो 18 से लेके 22 तक हो जाता है फोर स्टेप्स ठीक है फिर 22 से फिर से स्टार्ट होता है 23, 24, 25, 26 सो so, ये भी वापस हो जाता है फोर स्टेप्स फोर स्टेप्स फिर लास्ट है ट्वेंटी सिक्स से स्टार्ट होता है सो ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन थर्टी सो ये फिर से हमारा है फोर स्टेप्स है ना आई होप आपको समझ में आ रहा है ओके okay. फिर uh, बताया गया ड्रॉ एज लार्ज अ ग्रेड एज पॉसिबल ऑन द फ्लोर और ग्राउंड एंड राइट नंबर्स इन इट इन अ सीरियल ऑर्डर नाउ कंडक्ट एन एक्टिविटी इन विच यू कैन गिव एनी नंबर एंड द चिल्ड्रन जम्प फ्रॉम वन बॉक्स टू द नेक्स इन स्टेप्स ऑफ दैट नंबर चेंजेस यहाँ पे वो सेम चीज़ बताई गई है जो मैंने समझाया था कि हमें घर में भी हम ये कर सकते हैं हमें ग्रिड बना सकते हैं नंबर ग्रिड मतलब नंबर्स कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं या तो आप ट्वेंटी टू थर्टी लिख लीजिए या फिर फोर्टी टू फिफ्टी लिख लीजिए और फिर उसमें आप टू टू जम्प्स करिए फाइव फाइव जंप्स करिए तो उसमें आपको ईजीली सीखने मिलेगा वॉट इज स्टेप जम्प काउंटिंग ओके सो इट्स वेरी ईजी एंड डू ट्राई इट एट होम एंड एन्जॉय बाय फॉर नाउ.